दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महापंचायत में शामिल होने जा रहे पहलवानों और पुलिस के बीच रविवार को झड़प हुई। पुलिस ने महापंचायत की इजाज़त नहीं दी थी। पहलवानों ने नई संसद तक जाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं। पहलवानों के टेंट उखाड़ दिए। बजरंग, साक्षी और विनेश समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। इन मामलों में 7 साल तक कारावास का प्रावधान है। पुलिस एक्शन के बाद विनेश ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर से जा रहे पहलवानों का पुलिस ने पीछा किया। सवाल करने पर सुरक्षा मुहैया कराने का हवाला दिया। विनेश बोली, क्या पता ब्रजभूषण ने ही अपने हथियारबंद लोग भेजे हों और हो सकता है हमारा एनकाउंटर करा दिया जाए। महिला रेसलर्स ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और वे उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।